हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पार्ट डिज़ाइन देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्केचिंग देखा था। बेसिकली क्रियो जो सॉफ्टवेयर है इसमें टोटल 6 वर्क बेंच पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाता है। तो आप कहीं भी आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ये 6 डोमेन आपको आने चाहिए। सबसे पहले स्केचिंग, उसके बाद पार्ट डिज़ाइन, सरफेसिंग, शीट मेटल एंड ड्राफ्टिंग। लास्ट में जो भी अपने पार्ट्स वगैरह बनाए रहेंगे शीट मेटल में, सरफेसिंग में या फिर पार्ट डिज़ाइन में, तो उसकी लास्ट में हम असेंबली करेंगे। तो इसे टोटल 6 वर्क बेंच हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने स्केचिंग देखा था, इस वीडियो में हम पार्ट डिज़ाइन देखने वाले। यहाँ पे मैं न्यू पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पार्ट पे क्लिक कर किया मैंने। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का जो ऑप्शन है ये हम ऑफ करेंगे। ये जब आप ऑन करते हो तो बेसिकली इंचेस, फीट इंचेस में ड्राइंग वगैरह आपके जाता है। तो यहाँ पे मैं सॉलिड पे क्लिक किया मैंने, इसको मैं ओके करता हूँ। हमें mm में चाहिए, तो यहाँ पे नीचे आप mm पार्ट सॉलिड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर लो। अभी हम सबसे पहले एक्सट्रूड देखेंगे। एक्सट्रूड के लिए ये स्केच सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे स्केच का ऑप्शन है। मैं एक ई प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ जो कि क्लोज रहेगी। इसको ओके करता हूँ और ये जो हमने स्केच निकाला था ये क्लोज प्रोफाइल है। सॉरी, ये ओपन प्रोफाइल है। आपको ओपन प्रोफाइल कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे ये 2 डॉट्स मिलेंगे, तो ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। और डायमेंशंस वगैरह आपको नहीं चाहिए, प्लेन्स वगैरह आपको ऑफ करने आप यहाँ से कर सकते हो। मैं इसको डायमेंशंस नहीं देता, यही प्रोफाइल को मैं एक्सट्रूड करता हूँ। तो यहाँ पे एक्सट्रूड में 2 लिमिट्स रहते हैं, ये डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे साइड 2 का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लाइन सेलेक्ट करते हो तो दोनों डायरेक्शन में आप अलग अलग मटेरियल ऐड कर सकते हो। आगे की डायरेक्शन में अलग मटेरियल और सेकेंड डायरेक्शन में अलग मटेरियल। उसके बाद यहाँ पे मिरर एक्सटेंड का ऑप्शन है, ठीक है, एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड। इसमें क्या रहेगा, अब टोटल डिस्टेंस जो रहेगा वो डिवाइड रहेगा, डिवाइड बाय 2। मतलब आप यहाँ पे 900 देते हो तो 900 पे 2 रहेगा। यहाँ पे 450 और सेकंड डायरेक्शन में 450। इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से एडिट डेफिनेशन क्लिक कर सकते हो। उसके बाद ये जो एक्सट्रूड होगा तो ये पूरे सॉलिड में होगा। इसका आप कलर देखोगे तो ग्रे कलर में दिख रहा है। यहाँ पे एज ए सरफेस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो एज ए सरफेस मटेरियल में आपको मिल जाएगा। इसको कोई भी थिकनेस नहीं रहेगी, नेग्लिजिबल थिकनेस आप बोल सकते हो। तो क्रियो जो सॉफ्टवेयर है उसमें पैरामेट्रिक पार्ट डिजाइन एंड सरफेसिंग एक ही विंडो में दिए है। यहाँ पे कैप एंड्स का ऑप्शन है, मतलब ये जो सर्फेसिस यहाँ से क्लोज हो जाएगा, पर टोटल जो बॉडी है ये पूरी की पूरी हॉलो ही रहेगी। आपको टेपर चाहिए तो आपको टेपर एंगल भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप एंगल चेंज कर सकते हो 4 वगैरह। आपको यहाँ पे टिक पर भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं टेपर ऑफ कर लेता हूँ, ये दोनों डायरेक्शन में सेम मटेरियल ऐड किया मैंने, एक्सट्रूड एज अ सॉलिड किया। जब आप सरफेस करते हो तो इसका जो कलर रहेगा ये ब्लू कलर की तरह दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है थिकनेस का, ये मैं फिर से सॉलिड करता हूँ, यहाँ पे थिकनेस ऑप्शन ऑन करता हूँ। तो ये जो आपने स्केच निकाला था तो इसको यहाँ पे थिकनेस आ जाएगी। अब ये जो थिकनेस है ये अंदर की तरफ आ गई है। यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हो, आउटर डायरेक्शन, इनर डायरेक्शन और मिड प्लेन में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये फ्रंट प्लेन ऑन करता हूँ, ये हमारा स्केच है। अभी ये दोनों डायरेक्शन में मटेरियल है, ये अंदर की तरफ स्केच हमारा यहाँ पे है और मटेरियल अंदर के डायरेक्शन में ऐड हो गया। उसके बाद ये फिर से मैंने फ्लिप किया, यहाँ पे स्केच है, ये बाहर के डायरेक्शन में मटेरियल ऐड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये टोटल 4 mm है। जब आप बोथ साइड करते हो तो 2 mm अंदर की तरफ, 2 mm बाहर की तरफ, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। ये मैंने ऑफ किया, इसको मैं ओके करता हूँ। अभी स्केचिंग के लिए हमें नॉर्मल सरफेस चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये नॉर्मल सरफेस है, या फिर आप प्लेन ले सकते हो। ये सरफेस पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक सर्कल निकालता हूँ। फिर से मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे हमने डायमेंशंस या फिर ब्लाइंड बोल सकते हो। ये जो ऑप्शन है एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड रहेगा, दोनों डायरेक्शन में आप जो भी मटेरियल ऐड करोगे तो ये सेम ही रहेगा। उसके बाद एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट सरफेस, नेक्स्ट सरफेस तक मटेरियल ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विथ ऑल सरफेस, मतलब लास्ट सरफेस तक इंटरसेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विद सिलेक्टेड सरफेस, मतलब जो भी आप सरफेस वगैरह सिलेक्ट करोगे वहां तक मटेरियल ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विद सरफेस एज वर्टेक्स कर्व प्लेन एक्सिस और पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट वगैरह आप ले सकते हो, एज वगैरह ले सकते हो, प्लेन्स वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये मटेरियल ऐड हो गया। अभी यहाँ पे उन्होंने रिमूव मटेरियल का ऑप्शन दिया है, तो ये जब आप इस पे क्लिक करते हो तो जितना आपने मटेरियल ऐड किया था, जितना आपने डायमेंशन दिया था उतने डायमेंशन तक वो कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमूव मटेरियल दिया है। ये जो ऑप्शन है इसमें फ्लिप हो जाएगा। यहाँ पे ये सर्कल के बाहर की तरफ जो भी रहेगा उतना मटेरियल वो कट करेगा। यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हो जिसे चाहिए उसे। उसके बाद ये वाला जो फ्लिप है ऑप्शन है, इससे डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी। आप ऐसे यहाँ से कर सकते हो, और इससे सर्कल के अंदर की तरफ से या फिर बाहर की तरफ ये कट करेगा। इसको मैं ओके करता हूँ। अभी यहाँ पे ये जब स्पिन हो रहा है, यहाँ पे ये बीच में स्पिन सेंटर है ओरिजिन के ऊपर, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो स्पिन सेंटर। तो जब ये रोटेट वगैरह होगा, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे उस डायरेक्शन के अलॉन्ग ये फ्लिप हो जाएगा। यहाँ पे फिट टू स्क्रीन है, अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिवॉल्व का। रिवॉल्व के लिए आपको एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी है और एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं एक टेपर प्रोफाइल निकालता हूँ। अभी इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सेंटर लाइन लोगे तो वो डेटम की सेंटर लाइन चाहिए। ये सेंटर लाइन यहाँ से लेता हूँ मैं। इसके बाद आपको जो भी डायमेंशन देने हैं वो हाफ डायमेंशन देने हैं, मतलब अभी कंसिडर करो आपको डायमीटर चाहिए 100 का, तो यहाँ पे मैं 50 का डायमेंशन देता हूँ, 50 एंटर। उसके बाद आपको डायमेंशन चाहिए 200 का, तो यहाँ पे मैं 100 देता हूँ। उसके बाद जो भी लेंथ रहेगी उतनी लेंथ देनी है आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो जो भी रिवॉल्विंग पार्ट्स रहते हैं जिसमें डायमीटर वगैरह रहते हैं तो वह रिवॉल्व कमांड में निकालते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ, यहाँ पे रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ। अभी ऑटोमेटिकली रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे हमने 50 का रेडियस दिया था तो ये 100 का डायमीटर हो गया, 200 का डायमीटर दिया था, ये हमने 100 की रेडियस दी थी तो यहाँ पे 200 का डायमीटर मिल जाएगा। यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हो, 180 डिग्री 90 डिग्री वगैरह। सेम यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दोनों डायरेक्शन में आपको अलग अलग एंगल चाहिए तो आप यहाँ से साइड टू ऑन कर सकते हो। सेम यहाँ पे एक्सट्रूड एज अ सरफेस भी मिल जाएगा आपको। ये जब रिवॉल्व होगा तो ये एज अ सरफेस हो जाएगा। यहाँ पे कैप एंड्स का ऑप्शन दिया है, मतलब ये जो ओपन सर्फेसेस है ये सरफेस क्लोज हो जाएंगे। ओके, पर अंदर की तरफ पूरा हॉलो रहेगा, मटेरियल अंदर नहीं रहेगा कोई भी। इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। सेम वहाँ पे रिवॉल्व में रिवॉल्व कट का ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्वीप का। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, एक्सट्रूड देखा था। एक्सट्रूड में क्या हुआ, मटेरियल जो भी ऐड होगा वो पैरेलल टू स्केच हो जाएगा। उसके बाद रिवॉल्व में एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व हो जाएगा। स्वीप में क्या होगा, जो भी आप प्रोफाइल निकालते हो तो वो एक सेंटर का या फिर पाथ बोल सकते हो, वो फॉलो करेगा। ओके, बेसिक एग्जांपल जो है स्प्रिंग है, उसके बाद माउस की वायर, लॉक का जो ऊपर का यू शेप का पार्ट रहता है, तो ये सब स्वीप में बना सकते हो। उसके बाद जो भी एल्बोज वगैरह रहते हैं पाइप फिटिंग के, तो वो भी आप स्वीप कमांड में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्केच बनाता हूँ। ये मैंने सेंटर पाथ बनाया जो कि यहाँ पे और यहाँ पे ओपन है। उसके बाद मुझे अभी इस पे प्रोफाइल बनानी है, तो यहाँ पे मैं स्वीप सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमें स्केच बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्केच पे क्लिक करता हूँ और जो भी आपको प्रोफाइल वगैरह चाहिए, सर्कल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया तो ये प्रोफाइल इस अलाउ वो फॉलो कर लेगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये आप एक्सट्रूड कमांड में भी निकाल सकते हो। एक्सट्रूड कमांड में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पोर्शन है ये आपको रिवॉल्व कमांड में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्वीप कमांड में आपको एक ही कमांड में ये मिल जाएगा। और कई कई ऑप्शन जो है मोस्टली 95% आपको यहाँ पे स्वीप में जो बनाते हैं वो आपको एक्सट्रूड में वगैरह नहीं मिलेंगे। एक और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो रहते हैं के इसका इरेगुलर प्रोफाइल रहता है तो वो भी आप स्वीप कमांड में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये स्केच बनाया सेंटर पाथ, स्वीप सेलेक्ट किया मैंने। आपको यहाँ से स्केच ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं स्केच में जाता हूँ, यहाँ पे ये सर्कल बनाया मैंने तो ये वाला इस अलॉन्ग फॉलो कर लेगा। सेम यहाँ पे सरफेसेस का ऑप्शन है तो ये सरफेस भी एज ए सरफेस भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हेलिकल स्वीप। हेलिकल स्वीप के लिए आपको एक पाथ बनाना है। पाथ में हम ये स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, उसके बाद एक सेंटर लाइन निकालेंगे। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ, हेलिकल स्वीप में जाता हूँ। यहाँ पे पिच लेगा, हमें स्केच ड्रॉ स्केच बनाना है तो यहाँ पे स्केच पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया। यहाँ से आप पिच चेंज कर सकते हो। पिच यहाँ पे मैं 190 देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसीडर करो लेफ्ट हैंड चाहिए या फिर राइट हैंड चाहिए तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको कंसीडर करो दोनों के बीच में कम ज्यादा पिच वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड पिच में क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं 500 का देता हूँ। यहाँ पे ये स्टार्टिंग में अलग आ गया और ऊपर के डायरेक्शन में अलग मिल गया। ओके, एंड पॉइंट पे आपको अलग मिल गया। तो यहाँ पे राइट पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ऐड पिच पॉइंट पे। यहाँ पे ये हाइट है 500 देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसीडर करो 200 का पिच चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ऐसे आप अलग अलग पिच दे सकते हो। यहाँ पे थिकनेस का ऑप्शन है तो ये ओपन प्रोफाइल आपको मिल, यहाँ पे इसको थिकनेस आ जाएगी 20, एंटर करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं। वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, यह नया ऑप्शन है। ये आपको क्रियो 2.0 3.0 नहीं, आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं वॉल्यूम और सर्कल बनाता हूँ। यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो ये स्टार्ट नहीं रहेगा। ये बेसिकली स्टार्ट कब होगा, जब यहाँ पे कोई मटेरियल रहेगा कट करने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम हेलिकल स्वीप भी ऑन हो गया तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको हेलिक्स प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करता हूँ। सेम हमने जैसे हेलिकल स्वीप में बनाया था तो वैसे ही हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। हमारे एक्सिस यहाँ पे अभी आई नहीं है तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पे बोलने नहीं है। यहाँ पे इस स्केच में क्या क्या बनाया, एक एक्सिस बनाई है और एक लाइन बनाई है। इसको ओके करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से ओरिएंटेशन देख सकते हो, कैसे ओरिएंटेशन दिया। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है हमें सेक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो आप सिलेक्टेड सेक्शन भी मतलब आपने पहले से ही बनाया हुआ रहेगा तो वो आप दे सकते हो, या फिर एक नया वाला सेक्शन भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसके बाद इस पे यहाँ पे ये सेक्शन बनाया, तो जो भी लाइन वगैरह रहेगी तो ये वाई एक्सिस जो है इस पे वो कोइंसाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कट हो गया, तो सेम यहाँ पे पिच वगैरह आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एड पिच पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कंसिडर करो 30 का पिच चाहिए एंड पॉइंट पे, यहाँ पे आपको 100 का पिच चाहिए, फिर से आप दे सकते हो। उसके बाद पिच में अगर किधर भी पॉइंट वगैरह चाहिए तो यहाँ पे ऐड पिच पे क्लिक करके ये वाला टोटल डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये मैं मैं 120 करता हूँ और 120 के पॉइंट पे मुझे 5 का पिच चाहिए 5 का, तो ये 5 का पिच बहुत ही कम है। हम ये एडिट करेंगे, पिच पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 5 की जगह पे 40 करता हूँ, तो ऐसे आप अलग अलग पिच वैल्यूज दे सकते हो। ये वाला यहाँ से यहाँ तक 120 का डिस्टेंस है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, यहाँ से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर क्या करता हूँ, इस वीडियो में हम इतना देखेंगे, कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।